सो हेलो एवरीवन यार, आज हम देखेंगे कि लकी ब्लॉक जो मैप है पी वर्जन पे, वो हार्डर है या एकदम सिंपल है। मतलब कि हम देखने वाले हैं और साथ में खेलने वाले हैं, तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इतनी प्रोग्रेस में कर चुका हूँ जितनी आप देख पा रहे हैं, बाकी की मैं आपके साथ करूँगा, तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यार, गेम की शुरुआत हो चुकी थी और अगले दिन जैसे शुरू हुआ था ना, वैसे ही मैं मर गया था। कारण ये था कि एक येलो कलर की जो सोर्ड थी वो मैंने पता नहीं क्यों चला दी थी, शायद वो खुद के मारने के लिए थी। और उसके बाद मैंने पत्थर तोड़ने की मशीन बनाई, लेकिन पता नहीं क्या क्या तोड़ जा रहा था मैं बार बार। और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ पत्थर मुझे मतलब स्टोन ब्रिक मुझे स्टोन ब्रिक ना को सॉरी कोबल स्टोन मुझे मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, बाकी इनकी मर्जी, लेकिन मैं तोड़ते जा रहा था। और डायमंड पिकेट से मतलब टाइम तो नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी लग रहा था। पत्थर तोड़ने के बाद मैंने रास्ता बनाना शुरू करा और रास्ता दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जाने के लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि यार यहाँ पे क्या क्या नई नई चीज़ें मिलती हैं। खैर, मैंने यहाँ से पानी में एक जगह डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे डर इतना रखा था ना कि तो सारा सामान मेरा फालतू वेस्ट हो जाएगा। सो गाइस, जब मैंने जो सामने वाला आइलैंड था वो भी पूरा तोड़ दिया, सॉरी पूरा नहीं आधा, लेकिन वहाँ से ही मुझे एपिक एपिक चीज़ें मिली, डायमंड की सॉर्ड पिकेक्स एक्स वगैरह वगैरह, और पूरा आर्मर भी मिल चुका था मुझे डायमंड का। लेकिन फिर शायद मैं मर गया वापस से, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे ब्लॉक है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है। लेकिन आज अंधेरा हो चुका है, वहाँ पे से ज़ोंबीज प्रकट क्यों हो रहे हैं? वहाँ पे मुझे अगर टॉर्च लगानी पड़ेगी तो गेम शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा मेरा। और इसी के साथ अगला दिन हो चुका था और उसके यार मेरा स्वागत कौन कर रहा था? क्रीपर। सही सुना है, मतलब क्रीपर खड़ा हुआ था। वो तो मैंने एक दीवार बना दी थी, कब से आगे फट जाता है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने पेड़ काटे और पेड़ काटे और पेड़ काट ही रहा था, क्योंकि मेरे पास और कुछ काम नहीं था उस दिन। फिर नई सुबह के साथ एक और नया प्राणी आ गया था मेरा स्वागत करने के लिए, जो कि आप देख सकते हो आगे से पिलेजर ही बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेजर पिलेजर एनीवेज, क्योंकि ये तो तीर ही मारने वाला था ना मुझे जैसे मैं निकलता। जैसे मैं लकी ब्लॉक में होता हूँ, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात के पीछे मैं डर रहा था कि मुझे मारने दे। और फिर मैंने इसे पास बुला के इसे गिरा दिया। सो गाइस, यार अब मुझे मिल चुका था एक खास चीज़ जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ इलाइट्रा। और फिर यहाँ पे मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया, क्योंकि यार मुझे सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खास करके ब्लॉक्स की। सो यार, मैं नेदर से कुछ नेदर क्वार्ट्स लेकर आया, उसके बाद मैंने स्लेब बनाए, पहले मतलब ब्लॉक बनाया उसके बाद ही मैंने स्लेब बनाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक तरफ मैं बनाऊँगा एक अपना घर और दूसरी तरफ यहाँ पे हम कुछ फार्मा वगैरह बना देंगे। तो यार ब्लॉक की कमी तो थोड़ी पूरी हो चुकी है ऑब्सीडियन आने से। सो मैं बहुत खुश था, क्योंकि यार 4-5 दिन बाद मैं सोने वाला था, क्योंकि मुझे बेड बनाने के लिए ये भेड़ों के बाल नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे भेड़ों को मारना पड़ा और हमारा प्यारा सा बेड बनाना पड़ा, क्योंकि यार हम हैं तो भेड़े हैं। सो यार, मैंने गधा ही पाला था, लेकिन उसको फिर मार दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, और घोड़ा यहाँ पे स्पॉन हुआ नहीं। और फिर मैं एक पाथ बना चुका था जो कि एंड पोर्टल से मेरे घर को जोड़ रहा था, लेकिन एक ट्रेडर अपने लामा को फालतू ही फांसी लगा रहा था और वो बेचारा मर गया। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्रीपर आगे इंतज़ार कर रहे थे और मैं जा रहा था बिना डरे, और एक एंडरमैन भी था। सो हमने एक जॉम्बी विलेजर को कैद कर लिया था अपनी बोर्ड पर, क्योंकि यार उसे उसका असली रूप जो देना था क्योर करके एकदम भले तो कर लेते हैं। सो यार, फिर मैंने जॉम्बी विलेजर के लिए 2 स्प्लैश पोशन भी बनाए जो कि वीकनेस के थे, क्योंकि यार क्योर करना है तो जल्दी क्योर करने के लिए दोनों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हॉस्टल मॉब्स को मारते हुए मुझे 4 इंचांटेड वाली वो भी मिली, जो कि यार आगे हमारे काम आने वाली है, तो इसको मैंने हमारे पास संभाल के रखी। तो फिर जिस काम के लिए हमने जॉम्बी विलेजर को पकड़ा था वो हमने पूरा कर दिया इसके ऊपर स्प्लैश पोशन मार के, और गोल्डन एप्पल में भूल गया था तो इसको हम अब खिला देते हैं, कोई नहीं देर तो हुई नहीं है अभी भी। ओके क्योर, अबे थोड़ा सा चिरमिरा रहा है हाँ। और मेरे फ़ोन में इतना वाइट क्यों दिख रहा था पता नहीं है, मेरे पीठ पे लगा था इलाइट्रा। तो या हम उड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले बार में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन दूसरी बार में भी अनसक्सेसफुल रहे, और तीसरी बार में हम उड़ गए, नहीं इसमें भी ओके उड़ गए। अब से हमें लड़ना था, और मैं भिड़ चुका था अपने पिलर पे और 2 हार्ड पहले गवा चुका था, और एंडर ड्रैगन भैया मतलब एंडर ड्रैगन नहीं सॉरी बस ड्रैगन। और फिर मैं क्रिस्टल फोड़ ही रहा था कि ड्रैगन ने आके कुछ कर दिया और किसी ने कुछ भी नहीं देख रखे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।